हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचरस्कोपी। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का यूनिट टू एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रुप एंड फील्ड्स। फिर हम पढ़ेंगे फाइनाइट फील्ड्स ऑफ द फॉर्म GF ऑफ P। फिर हम पढ़ेंगे मॉडुलर अरिथमेटिक। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होती है। एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसमें हम दोनों पढ़ेंगे इनक्रिप्शन भी और डिक्रिप्शन भी। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेट्स एंड यूलर थ्योरम क्या होती है। आगे पढ़ेंगे हम प्राइमलिटी टेस्टिंग। फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स, RSA एल्गोरिथम, सिक्योरिटी ऑफ RSA। तो इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा है हमारा RSA एल्गोरिथम। दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इनको हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ग्रुप्स। तो अ ग्रुप जी डिनोटेड बाय जी कॉमा स्टार इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। तो एक ग्रुप जी है जिसको हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ जी कॉमा स्टार से, जिसमें क्या होता है हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टार। और ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सी इक्वल्स टू ए डॉट बी होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ये क्या कहता है, ब्रैकेट्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट ब्रैकेट्स ऑफ बी डॉट सी होता है। तीसरी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि ए की हम आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी की ए में मल्टीप्लाई करें वो ए के इक्वल आता है। चौथा है इन्वर्स, कि ए का हम ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स का ए में मल्टीप्लाई करें वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम फील्ड्स। फील्ड क्या होता है, तो आ फील्ड एफ डिनोटेड बाय सेट ऑफ एफ कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सच डेट फॉर ऑल ए बी एंड सी इन एफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर ओबेड। फर्स्ट वन इज एफ इज इंटीग्रल डोमेन, सेकेंड इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, फॉर ईच ए इन एफ एक्सेप्ट जीरो देर इज एन एलिमेंट ए इनवर्स इन एफ सच डेट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू वन। तो ये कहता क्या है कि एक फील्ड एफ है जिसको हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ एफ कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई। ये सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे हमारे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सच डेट कि ए बी और सी तीनों वैल्यू के लिए जो एफ में लाई करेगी ये एक्सियोम ओबे हो रहा होगा। पहला है कि एफ हमारा इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, कि वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ए बी सी तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू वन के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो फॉर ईच ए इन एफ हर ए वैल्यू जो एफ में लाई करेगी जीरो को छोड़ के एक एलिमेंट होगा उसका ए इनवर्स जो एफ में होगा सच डैट कि अगर ए की मल्टीप्लाई हमने ए इनवर्स से कर दी तो वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इंटू ए जिसकी वैल्यू वन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं GF ऑफ P फील्ड्स। तो इसमें क्या है, व्हेन एन इक्वल्स टू वन वी हैव GF ऑफ P फील्ड्स। दिस फील्ड कैन बी सेट Z ऑफ P व्हिच लाई बिटवीन 0 टू P माइनस 1 विथ टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इन दिस सेट ईच एलिमेंट हैज अ एडिटिव इनवर्स एंड डेट नॉन जीरो एलिमेंट्स हैव अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर जीरो। तो ये क्या कहता है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास एक जी एफ ऑफ पी फील्ड हो जाएगा। इस ये फील्ड जो होगा सेट जेड ऑफ पी में होगा जो हमारा लाई करा होगा 0 से पी माइनस 1 के बीच में, जिसमें दो अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इस सेट में हर एलिमेंट का एक एडिटिव इनवर्स होगा और हर नॉन जीरो एलिमेंट्स का एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा और जीरो का कोई भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया है हमने जिसमें हमने जी एफ ऑफ टू लिया है जिसका सेट 0,1 है और दो ऑपरेशन है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन वाला देख लेते हैं पहले। तो हम अगर एडिशन करेंगे तो हमने 0 और 1 लिया है रो और 0 1 कॉलम। तो जब 0 के 0 में एडिशन करेंगे तो 0 आएगा एंड 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा एंड फिर 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा और 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 आएगा।
ये हमने बाइनरी एडिशन किया है। अब मल्टीप्लिकेशन वाले देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने रो वाइज किया और कॉलम वाइज किया, तो जब जीरो के जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, वन की जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा, एंड वन की वन में करेंगे तो वन आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे पढ़ेंगे हम रिंग। तो रिंग क्या होता है? आर रिंग आर डिनोटेड बाय सेट ऑफ आर कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सच डेट फॉर ऑल ए बी एंड सी इन आर द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर ऑब्वियस। तो ये क्या कहता है कि एक रिंग आर है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सेट में, जिसमें हमारा आर होगा वो एडिशन होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे हमारे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सच डेट ए बी सी तीनों आर में लाई करेंगे तो ये फॉलोइंग एक्सियोम्स ओबे हो रहा होगा। पहला एक्सियोम है हमारा क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है कि अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग करेगा तो ए डॉट बी भी हमारा आर में बिलोंग करेगा। दूसरा है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये क्या कहता है? ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी ये हमारा इक्वल होगा ब्रैकेट ऑफ ए डॉट बी इंटू सी, जिसमें कि ए बी सी तीनों हमारे आर में लाई करने चाहिए। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से कर दें वो हमारा इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, जिसमें कि ए बी सी तीनों हमारे आर में लाई करने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी ब्रैकेट में उसकी मल्टीप्लाई अगर सी से कर दें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के, जिसमें कि ए बी सी तीनों हमारे आर में लाई करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये कहता है अगर ए डॉट बी किसके इक्वल होगा बी डॉट ए के इक्वल होगा, जिसमें ए भी हमारा आर में लाई कर रहा होगा। पांचवा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या कहता है कि एक एलिमेंट वन होगा जो आर में लाई करेगा सच डेट कि एक की हम वन में मल्टीप्लाई करें वो हमारा किसके इक्वल होगा वन की ए में मल्टीप्लाई करें, जिसमें कि ए हमारा आर में लाई करना चाहिए। छठा है नॉन जीरो डिविजर। इसमें क्या है ए डॉट बी अगर आर से बिलोंग करेंगे और ए बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो देन या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या फिर बी को जीरो होना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मॉडुलर अरिथमेटिक। तो मॉडुलर अरिथमेटिक होता क्या है? तो मॉडुलर अरिथमेटिक इज अ सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रिड्यूस टू अ सर्टेन वैल्यू एग्जाम्पल द मॉडुलस। तो मॉडुलर अरिथमेटिक एक सिस्टम है अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे नंबर्स को हम एक सर्टेन वैल्यूज में रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल माने तो हम उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। दूसरा है मॉडुलर अरिथमेटिक इज यूज इन नंबर थ्योरी टू कैलकुलेट चेकसम एंड आइडेंटिफायर्स टू स्पॉट एरर। मॉडुलर अरिथमेटिक का हम यूज नंबर थ्योरी में भी करते हैं कि हम कैलकुलेट कर पाएं चेकसम्स को और आइडेंटिफायर्स को, जिससे कि हम एरर्स को फाइंड कर पाएं। तीसरा मॉडुलर अरिथमेटिक इज यूज टू लिमिट द साइज ऑफ इंटीजर्स कोफिशिएंट इन इंटरमीडिएट कैलकुलेशन और डेटा। तो मॉडुलर अरिथमेटिक का हम यूज इंटरमीडिएट कैलकुलेशन और डेटा में भी करते हैं, जहाँ पे हम इंटीजर कोफिशिएंट के साइज को लिमिट देते हैं या फिर उसके लिमिटेशन बता देते हैं। अब मॉडुलर अरिथमेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है डब्ल्यू प्लस एक्स का मोड अगर हम एन से करें तो वो हमारा एक्स प्लस डब्ल्यू मोड एन के इक्वल होगा। अब वही मल्टीप्लीकेशन में देखें तो डब्ल्यू इंटू एक्स का मोड एन से करें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा एक्स इंटू डब्ल्यू मोड एन के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है ब्रैकेट ऑफ डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई इसका मोड एन करें तो वो किसके इक्वल होगा हमारा डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई मोड एन के। और इसका मल्टीप्लीकेशन देखें तो डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू वाई का मोड एन करें तो डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स इंटू वाई मोड एन के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहती है कि डब्ल्यू के मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई से करें और उसका मोड एन निकालें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू वाई होल ब्रैकेट इंटू मोड एन। चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटीज। इसमें हमारा जीरो एंड वन आता है तो जीरो को एडिशन में यूज करते हैं, वन को मल्टीप्लीकेशन में यूज करते हैं।
तो 0 + W mod n करें तो हमारा W mod n के इक्वल आएगा, और 1 × W mod n करेंगे तो वो भी हमारा W mod n के इक्वल आएगा। पांचवा है एडिटिव इनवर्स, जिसमें हम नेगेटिव लेते हैं W। तो इसमें कहता है फॉर ईच W बिलोंग्स टू Z ऑफ n, यहाँ पे स्मॉल z एग्जिस्ट कर रहा होगा, जहाँ पे W+Z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 mod n के इक्वल आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो इंटीजर जो डिविजिबल हो ±1 से या फिर खुद के नंबर से, और उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, कोई भी इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी उसके यूनिकली फैक्टर्स निकलेंगे ऐसे, a=P1 की पावर a1, P2 की पावर a2, ये अप टू PT की पावर 80 तक जाएगा। यहाँ पे P1, P2 और PT क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, और a(i) हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी प्राइम इंटीजर a के लिए उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, a=π, जिसमें स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल p, फिर p की पावर a बेस p। a बेस p हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जहां पे p बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है कि इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिव प्राइम इफ gcd ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। कि मान लो हमने दो इंटीजर लिए हैं a, b, वो हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर माने जाएंगे अगर उनका gcd 1 के इक्वल आता है। पेयर वाइज बात करें तो a1 a2 an तक लाई करेगा, वो हमारा पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नंबर माना जाएगा अगर उनका gcd ai, aj 1 के इक्वल आता है, जिसमें कि हमारी ij की वैल्यू 1 से लेके n तक लाई करनी चाहिए। इसका क्लैरिफिकेशन क्या कहता है कि रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब है कि उसका gcd 1 आए, ना कि प्राइम नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर हम gcd निकाले 15,17 का तो 1 आता है, वही हम gcd निकाले 17,28 का तो वो भी 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 17,15 एंड 17,28 ये हमारे पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नंबर है। अब हम आगे देखते हैं मेथड्स क्या हैं रिलेटिव प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के जो गिवन नंबर से छोटा होगा। तो पहला स्टेप है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम उसके एक्सपोनेंशियल प्राइम फैक्टर निकालते हैं नंबर के। दूसरा है हम उसका पेयर वाइज कैलकुलेशन करते हैं। तो पेयर वाइज कैलकुलेशन कैसे होता है, हर टर्म के लिए हम दो नंबर डिराइव करेंगे, पहले नंबर का क्या करेंगे, पहले नंबर के बेस में से हम -1 कर देंगे, और दूसरे नंबर के जो एक्सपोनेंट आएगा उसमें से हम -1 कर देंगे। तीसरा स्टेप कहता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम जो भी नंबर जो आए हैं स्टेप टू में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो ये क्या होती है, ये एक्सटेंशन है यूक्लिडियन एल्गोरिथम का। तो इसका पर्पस है कि हमें gcd निकालना होता है x, y का, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं m, n। इसकी इक्वेशन क्या है, m(x + n)y = gcd(x, y), जहाँ पे m क्या होगा, x मोड y का इनवर्स होगा, और n क्या होगा, y मोड x का इनवर्स होगा। अब इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं, तो हमें पहले वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो इसमें हमारे 6 वैल्यू होती है a, b, c, d, e, f। तो a, b में हम x और y की वैल्यू डाल देंगे, c में हमारी वैल्यू होती है 1, d में 0, e में 0, f में 1। अब b की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी रहेगी, जब तक ये लूप चलेगा। और क्यों हम निकालेंगे, क्यों क्या हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे निकलेगा, a को हम b से डिवाइड करेंगे, एंड फिर हम r निकालेंगे, r क्या हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, a में से हम माइनस करेंगे q(b) को। इतना होने के बाद हम शिफ्टिंग करेंगे, a में हम b की वैल्यू डालेंगे, b में हम r की वैल्यू डालेंगे। जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद हम m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू कैसे निकलेगी, c में से हम माइनस करेंगे q(d) को। इतना करने के बाद फिर हम शिफ्टिंग करेंगे, c में हम d की वैल्यू डालेंगे और d में हम m की वैल्यू डालेंगे। फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू कैसे निकलेगी,
ई में से हम क्यू इंटू एफ को माइनस करेंगे, फिर हम शिफ्टिंग करेंगे ई में एफ की वैल्यू, एफ में एन की वैल्यू, और ये लूप चलता रहेगा जब तक बी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। जैसे ही बी की वैल्यू जीरो आएगी वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो वहां पे हमारा आंसर आएगा जो ए की वैल्यू होगी वो हमारा जी सी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल होगा, और जो सी की वैल्यू होगी वो एम के इक्वल आएगी, और जो ई की वैल्यू होगी वो एन के इक्वल आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये क्या होता है? एईएस एक ब्लॉक साइफर है जिसको हमने कमर्शियली यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एम है कि ये डीईएस को रिप्लेस करे, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने चाहता है ये। इट ऑपरेट्स ऑन 128 बिट ब्लॉक पे काम कर ऑपरेट होता है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो एईएस हमारा एक ब्लॉक साइफर है जिसको हमने कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया। इसका एम है कि डीईएस को रिप्लेस करना। डीईएस क्या था हमारा? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को रिप्लेस करना। इट ऑपरेट्स ऑन 128 बिट ब्लॉक्स एंड सपोर्ट की साइजेस ऑफ 128, 192 और 256 बिट्स। ये हमारा 128 बिट ब्लॉक पे ऑपरेट होता है और ये सब कई तरह की साइज को सपोर्ट करता है, जैसे कि 128 बिट को, 192 बिट्स को और 256 बिट को। अनलाइक डीईएस, एईएस डजंट यूज ए फिजिकल स्ट्रक्चर। तो डीईएस की तरह एईएस भी हमारा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यूज नहीं करता। फिजिकल स्ट्रक्चर हम अभी आगे पढ़ेंगे। ईच एईएस राउंड कंसिस्ट ऑफ फोर फंक्शन। तो हर एईएस राउंड में हमारे चार फंक्शन आते हैं, बाइट सब्स्टिट्यूशन, परमुटेशन, फाइनाइट फील्ड अरिथमेटिक एंड एक्सोर विद ए की। एईएस क्या हमारा? नॉन फिजिकल सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। इट इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट 128 बिट डेटा ब्लॉक। ये हमारा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है 128 बिट के डेटा ब्लॉक को। अब हम आगे पढ़ते हैं फंक्शनिंग ऑफ एईएस। तो पहला फंक्शन है इसका इनक्रिप्शन प्रोसेस। तो इनक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है? हर राउंड के पास चार सब प्रोसेस होते हैं। तो पहला जो राउंड प्रोसेस है वो हमने शो किया है आगे डायग्राम में, वो देख लेते हैं हम। तो ये डायग्राम क्या कहता है कि एक हमारा साइफर की है के नोट जो 128 बिट्स का है, जो हमारा ऐड राउंड की के पास जा रहा है, और एक उस पे हमारा प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। तो राउंड वन में क्या होगा? राउंड वन में जो हमारा सब प्रोसेस थे वो हमारे चार थे। पहला था हमारा सब बाइट्स, तो इसमें हम बाइट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा प्रोसेस था हमारा शिफ्ट रो, उसमें हम रो को शिफ्ट करेंगे। थर्ड था हमारा मिक्स कॉलम, तो इसमें हम कॉलम को मिक्स करेंगे। एंड चौथा है ऐड राउंड की, जो राउंड ऐड राउंड की पे हमने साइफर की डाली थी उसको हम ऐड करेंगे, और उसको हमने यहाँ पे नोट नोट कर रखा है K1 से 128 बिट की। तो अब वो चार सब प्रोसेस कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला है सब बाइट, जिसको कहते हैं बाइट सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा एक एस बॉक्स यूज करता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए हर बाइट को। ब्लॉक्स में क्या करता है? ये बाइट बाय बाइट सब्स्टिट्यूट करता रहता है, और इसको रिजल्ट को कहाँ स्टोर करता है? 4x4 की मैट्रिक्स में। दूसरा हमारा शिफ्ट रो। शिफ्ट रो में क्या होता है कि हर रो हमारी शिफ्ट होती है लेफ्ट साइड में, और हम नई जो एंट्री आती है उसको इंसर्ट करते हैं राइट साइड में। थर्ड है हमारा मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम हमारा लास्ट राउंड में नहीं चलता, बाकी और सब में काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम हर कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शन में, जिससे कि हम एक 16 बाइट की नई मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकें। और चौथा सब प्रोसेस है हमारा ऐड राउंड की, तो इसमें हम एक्सोर कर देते हैं जो मैट्रिक्स बनी थी 128 बिट राउंड की के साथ। अगर वो हमारा लास्ट राउंड होता है तो हम साइफर टेक्स्ट को आउटपुट में दिखा देते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट राउंड पे पहुंच जाते हैं। दूसरा प्रोसेस डिक्रिप्शन प्रोसेस। इनक्रिप्शन कर लिया हमने, अब हम करेंगे डिक्रिप्शन। तो जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो सिमिलर ही है इनक्रिप्शन की तरह, बस इसका रिवर्स ऑर्डर में काम चलता है। इसमें भी हर राउंड में चार सब प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो रिवर्सली काम करेंगे। इसमें पहला सब प्रोसेस होगा ऐड राउंड की, दूसरा होगा मिक्स कॉलम, फिर तीसरा शिफ्ट रो, चौथा है बाइट सब्स्टिट्यूशन। ये चारों हम पढ़ चुके हैं। नोट करने वाली बात ये है कि जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है
ये हमारी सेपरेट रहती है, किसकी वजह से, कि रिवर्स ऑर्डर आता है, हर राउंड में रिवर्स होता है। इनक्रिप्शन अगर सीधा देगा तो वो उसका उल्टा आएगा। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या है डीईएस की। तो पहला है वर्क्स एवरीवेयर, कि हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर जगह यूज हो सकता है। दूसरा है डिफरेंट की साइजेस में पाया जाता है, 128 बिट का भी होता है, 192 बिट का भी होता है, 256 बिट का भी होता है। फिर है यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह यूज किया जा सकता है, वायरलेस में, फाइनेंस में, स्टोरेज में, हर जगह यूज कर सकते हैं। चौथा है वेरी टफ टू हैक, हैक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 128 ट्राइज होती हैं। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं डीईएस की। पहला है सिंपल मैथ स्ट्रक्चर, इसका मैथ का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा है सेम ब्लॉक एवरी टाइम, कि हर टाइम पे ये सेम ब्लॉक दिखा देता है, मतलब पैटर्न्स नहीं दिखाता। तीसरा है हार्ड इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाना इसका बहुत ही टफ है। चौथा है ट्रिकी काउंटर मोड, जो काउंटर मोड है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, मतलब सॉफ्टवेयर की स्पीड हम हैंडल कैसे करें, सेफ्टी कैसे हैंडल करें, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। तो ये क्या कहती है, अगर पी हमारा प्राइम है, ए हमारा इंटीजर है जो कि पी से डिविजिबल नहीं है, देन ए की पावर पी माइनस वन इक्वल होगा 1 mod p के। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कि अगर पी हमारा प्राइम है, ए हमारा इंटीजर है, देन ए की पावर पी किसके इक्वल होगा, ए मोड पी के इक्वल होगा। इसका प्रूफ क्या कहता है, कि जेड ऑफ पी हमने एक सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, जिसमें पी इज अ प्राइम नंबर जो लाई कर रहा होगा 0 से p-1 तक। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक मॉडुलो पी से, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी सेम सेट के इक्वल ही आएगा, लेकिन उसमें कुछ ऑर्डर ऐड हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट कर दें इन नंबर्स का मॉडुलो पी के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगा, पी माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 mod p के इक्वल आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू 1 mod p। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम। तो ये क्या कहती है, इफ ए एंड एन आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए और एन को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन हम कह सकते हैं ए ऑफ फाई एन 1 mod n के इक्वल होगा, जहाँ पे फाई ऑफ एन हमारा यूलर टोशन फंक्शन होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, कि कितने पॉजिटिव इंटीजर है उनको काउंट करेगा जो एन से छोटे होंगे लेकिन वो एन के को प्राइम होंगे। इसका प्रूफ क्या कहता है, कि कंसिडर किया हमने एक सेट एस, जिसमें हमारे आर वन आर टू से लेके आर ऑफ फाई एन तक सभी पॉजिटिव इंटीजर्स लाई कर रहे होंगे जो एन से छोटे होंगे और एन के को प्राइम होंगे। दूसरे स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट के एस को ए से, तो ए इंटू आर वन, ए इंटू आर टू, ये ए इंटू आर ऑफ फाई एन तक जाएगा। अब जो नए एलिमेंट्स आए हैं वो भी हमारे एन के को प्राइम होंगे, क्योंकि अगर हम ए के मल्टीप्लाई आर ऑफ आई से कर रहे हैं और वो किसके इक्वल है, ए इंटू आर ऑफ जे मोड एन के इक्वल है, जिसमें कि हमारी आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आर ऑफ आई आर ऑफ जे मोड एन के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर ओ आई आर जे हमारे एन के को प्राइम होंगे। चौथा स्टेप कह रहा है कि जो सेट एस था और इसका जो मल्टीप्लाइड वर्जन आया है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को कवर कर लेगा जो एन से छोटे होंगे, तो जो कि हमारे को प्राइम होंगे एन के। अब जो हमने प्रोडक्ट निकाला था ए इंटू आर वन, ए इंटू आर टू, ए इंटू आर ऑफ फाई एन, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा इस प्रोडक्ट के जो हमारा पहले आया था आर वन आर टू इंटू आर ऑफ फाई एन मोडुलो एन। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ए ऑफ फाई एन दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, जो क्या बचेगा ए ऑफ फाई एन इंटू वन, जो इक्वल होगा 1 mod a of phi n into 1, जो कि हमारा इक्वल होगा 1 mod n के। इसलिए हम कह सकते हैं a की पावर phi n हमारा किसके इक्वल होगा, 1 mod n के होगा,
जो कि प्रूव करता है यूलर्स थ्योरम को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यूलर टोशन फंक्शन। यूलर टोशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ एन से, जो क्या करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट करता है जो एन से छोटे हैं और रिलेटिवली प्राइम है एन के। अब इनके इन नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं जेड ऑफ एन से। अब फाई ऑफ एन कैलकुलेट करने के रूल्स हैं कुछ, तो चार रूल्स होते हैं बेसिकली। पहला रूल क्या कहता है, फाई ऑफ वन है तो वन हो जाता है वो, फाई ऑफ पी है तो पी माइनस वन होता है अगर पी प्राइम नंबर है। तीसरा रूल कहता है फाई ऑफ एम की पावर एन है तो फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन हो जाएगा अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम है। चौथा रूल कह रहा है अगर फाई की पी की पावर ई आ रहा है तो पी ई माइनस पी की पावर ई माइनस वन हो जाएगा अगर पी प्राइम नंबर है। अब हमें कंप्यूट करना है फाई ऑफ एन, तो हमने दो अलग प्राइम नंबर लिए हैं पी इंटू क्यू, जो कि इक्वल होंगे एन इक्वल टू पी इंटू क्यू के इक्वल होंगे। तो इनका जो फाई फंक्शन है वो भी ऐसी होगा फाई ऑफ एन इक्वल्स टू फाई ऑफ पी क्यू। तो यहाँ से हम ये लगा देंगे, ये पी क्यू को हम ये वाला रूल लगा देंगे रूल थ्री, तो फाई ऑफ पी इंटू फाई ऑफ क्यू हो जाएगा। अब फाई ऑफ पी को हम ऐसे लिख सकते हैं पी माइनस वन, फाई ऑफ क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू माइनस वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्राइमलिटी टेस्टिंग। तो प्राइमलिटी टेस्टिंग का हम यूज करते हैं चेक करने के लिए जो भी नंबर दिया होता है वो प्राइम है कि कंपोजिट है। अब इसके चेक करने के लिए एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम को हमने कैटेगराइज कर रखा है, पहला है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम और दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम। डिटर्मिनिस्टिक में हमारी दो एल्गोरिथम आती है, एक आती है बेसिक दूसरी है डिविजिबिलिटी। बेसिक में क्या होता है कि हम मान लो हमने पी नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है सभी वैल्यूज को 2 से लेके अंडर रूट पी तक डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करते हैं अंडर रूट पी तक जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट पी के इक्वल नहीं आ जाती। दूसरा था हमारा प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम, इसमें दो आती है फर्मेट्स प्राइमलिटी टेस्ट और मिलर रेबिन टेस्ट। फर्मेट प्राइमलिटी टेस्ट क्या होता है, ये चेक करता है अगर a की पावर p माइनस वन इक्वल आ रहा है वन मोड p के तो वो हमारा प्राइम नंबर माना जाएगा। दूसरा है मिलर रेबिन टेस्ट, ये भी एक दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक टेस्ट है जो कंपोजिट रिटर्न करेगा अगर वो प्राइम नंबर नहीं है या फिर वो इनकनक्लूसिव बता देगा कि कोई कंक्लूजन नहीं निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मिलर रेबिन एल्गोरिथम। इसका पर्पज क्या है, इसको हम यूज करते हैं प्राइमलिटी टेस्टिंग के लिए लार्ज नंबर्स की। एफिशिएंसी क्या है इसकी, पॉलीनोमियल टाइम एल्गोरिथम है जिसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन की पावर क्यूब आती है। की प्रॉपर्टीज क्या है, ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करता है प्राइम नंबर्स की। अगर पी हमारा प्राइम है और कोई एक्स नंबर है जो वन से पी के बीच में लाइक कर रहा है, देन हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वन मोड पी के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स मोड पी वन के इक्वल हो या फिर एक्स मोड पी माइनस वन के इक्वल हो। अब प्राइम नंबर डिकम्पोजिशन क्या है, अगर पी हमारा प्राइम नंबर है जो टू से बड़ा है, देन हम कह सकते हैं पी माइनस वन किसके इक्वल होगा, टू की पावर के क्यू के इक्वल होगा जहाँ पे के की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और क्यू हमारा ओड नंबर होगा। इसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी है, वो क्या कहती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एक्स के लिए जो पी का को प्राइम है तो एक्स की पावर क्यू इक्वल होगी वन मोड पी के। आगे हम इसका सूडो कोड देखते हैं, सूडो कोड फॉर मिलर रेबिन प्राइमलिटी टेस्टिंग। तो ये सूडो कोड है मिलर रेबिन, इसमें हमने लिया एक बिग इंटीजर एन, एक लिया इंट एस, एस क्या है नंबर ऑफ टेस्ट जो हम एन पे परफॉर्म करना चाहते हैं, एक हमने लिया बिग इंटीजर ए, फिर एक लूप चल रहा है हमारा इंट आई वन से लेके लेस देन इक्वल टू एस तक और वन से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ए में क्या कर रहे हैं, रेंडम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं 2 से लेके n माइनस वन तक, फिर हम इफ कंडीशन में चेक कर लेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इफ विटनेस a कॉमा n, अगर a और n के बीच में लाइक कर जा रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं,
नंबर के। तो जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज यूज टू सॉल्व अ सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन विद वन वेरिएबल बट डिफरेंट मोडुलाई विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम सॉल्व यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें वेरिएबल तो एक होता है लेकिन उसके मोडुलाई अलग अलग होते हैं जो कि प्राइम होते हैं। तो गिवन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन हमें ऐसे दी होगी कि x में हमारा a1 मोड m ऑफ 1 दिया होगा, x में a2 मोड m2, ये अप टू कहाँ तक जा रहा होगा, x इक्वल टू a ऑफ k मोड mk तक जा रहा होगा। अब कंडीशन क्या है CRT की, कि जो मोडुलाई आ रहे हैं हमारे m1 m2 mk तक वो पेयर वाइज होने चाहिए प्राइम। मतलब कि अगर उनका GCD निकाला जाए m i m j का, वो वन आना चाहिए जहां पे i और j इक्वल ना हो। आगे हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स क्या है सॉल्यूशन फाइंड करने के, तो चार बेसिक स्टेप है। पहले हम कॉमन मॉडुलस निकालते हैं। कॉमन मॉडुलस कैसे निकलता है, जितने भी मॉडुलाई हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम m1 का m2 का mk तक। दूसरा है हम कंप्यूट करेंगे m of i, m of i निकालेंगे सबका सेपरेट m of 1 का, कैसे निकलेगा m of 1 इक्वल टू m डिवाइड बाय m1, m of 2 कैसे निकलेगा m डिवाइड बाय m2, ऐसी m of k कैसे निकलेगा m डिवाइड बाय mk। थर्ड स्टेप है कंप्यूट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो m of i का इनवर्स निकालेंगे और वो किसके इक्वल होगा, m of i इंटू m of i का इनवर्स अगर करते हैं तो वन मोडलो m of i के इक्वल आना चाहिए। चौथा है सॉल्यूशन को हमें कंप्यूट करना है, तो सॉल्यूशन को हम कंप्यूट कर रहे हैं x में, तो x में हम सबका एडिशन कर देंगे। तो a1 वन इंटू एम वन इंटू एम वन का इनवर्स प्लस a2 टू इंटू एम टू इंटू एम टू का इनवर्स, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा a k इंटू एम के इंटू एम के का इनवर्स तक जाएगा और उसको हम मोडुलो m कर देंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो जो x में जो वैल्यू आएगी वो हमारी यूनिक सॉल्यूशन बताएगी CRT की। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे हम CRT के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है बाय यूजिंग CRT सॉल्व द साइमल्टेनियस कंग्रेंसी x इक्वल टू टू मोड पी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू 3 5 7। तो इसको हमें सॉल्व करना, तो पहले हमने गिवन जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। x इक्वल टू टू मोड पी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू 3 5 7, ठीक है। अब हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया x इक्वल टू टू मोड पी, पी की वैल्यू हम चेंज करेंगे, जो मोडुलाई दे रखे हमें 3 5 7 इनको रखेंगे। अब पहले हमने 3 को रखा, फिर 5 को रखा, फिर 7 को रखा। अब हमने जो चार स्टेप्स पढ़े थे उनको हम अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि हमें कॉमन मोडुलस निकालना है। कॉमन मोडुलस कैसे निकलेगा, सभी मोडुलाई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो 105 आ जाएगा। दूसरा क्या था कि हमें सेपरेट मोडुलस निकालना था, तो हमने m1 निकाला। m1 कैसे निकलेगा, m डिवाइड बाय स्मॉल m1। तो m क्या है हमारा 105 है और मोडुलाई क्या है 3 है, डिवाइड करेंगे 35 आएगा। m2 निकलेगा 105 डिवाइड बाय 5 21 आ गया। m3 निकालेंगे 105 डिवाइड बाय 7 15 आ गया। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना। तो m1 का इनवर्स निकालेंगे 35 इंटू एक्स मोड 2 जो कि हमारा 1 के इक्वल है। m2 का निकालेंगे 21 इंटू एक्स मोड 2 जो कि 1 के इक्वल है। m3 का निकालेंगे इनवर्स 15 इंटू एक्स मोड 2 जो कि 1 के इक्वल है। स्टेप फोर में हमें क्या करना, सबका एडिशन करना था जो कि हम x में स्टोर करते, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 35 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 21 इंटू 2 1 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 1 और इनका हमने मोड कर दिया m से, m की वैल्यू क्या थी 105। तो 35 दूनी 70 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, इन तीनों को जोड़ के 142 आ गया। इसका मोड जब 105 से करेंगे तो 37 आएगा, ये हमारा आंसर होगा जो हम x में स्टोर कर देंगे। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूजिंग द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे हमें दो दे रखे हैं x इक्वल टू 2 मोड 7 और x इक्वल टू 3 मोड 9। तो गिवन हमें ये दो दे रखे हैं x इक्वल टू 2 मोड 7 और 3 मोड 9। तो पहले m निकाल लेंगे, m कैसे निकलेगा, m1 इंटू m2, तो 7 इंटू 9 63 आ गया। अब इसका m1 निकालेंगे,
63 को 7 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, M2 निकालेंगे 63 को 9 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसका आएगा 9 इनवर्स मोड 7, तो 9 ये जो हमने टोरेंट फंक्शन पढ़ा था 5 of 7 माइनस 1, 5 of 7 जब निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा मोड 7, 2 माइनस 1 1, तो 9 मोड 7 जिसकी वैल्यू 2 आएगी। एम टू का इनवर्स निकालेंगे तो 7 का इनवर्स मोड 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी हम टोरेंट फंक्शन लगाएंगे 7 5 of 9 माइनस 1, 5 of 9 माइनस 1 की वैल्यू 3 होती है, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 मोड 9 करेंगे तो 4 आएगा। लास्ट में हमें इनका एडिशन करना होता है तो a1 इंटू m1 इंटू m1 का इनवर्स प्लस a2 इंटू m2 इंटू m2 का इनवर्स, और मोड करते हैं m से, m क्या 63, तो यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 4 मोड 63 हो गया, टोटल किया तो 120 मोड 63, और x की वैल्यू आगे आ गई 57 आ गई। तो आगे पढ़ लेते हैं हम डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स। तो डिस्क्रीट लॉगरिथमिक आर द सेट ऑफ कंग्रुएंसी क्लास 1 से p माइनस 1 तक होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो द प्राइम p। एक कंग्रुएंसी क्लास का सेट होता है जो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p के अंडर में होता है। अब इसमें फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि g हमारा एक साइक्लिक ग्रुप होगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम मल्टीप्लीकेटिवली भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कोई भी g जो g में लाई करेगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे g इक्वल टू बी की पावर के, यहाँ पर k हमारा इंटीजर होगा। अब इसका कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n देखें तो डिफरेंट k हमारे सेम g को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो n के। इसका डिस्क्रीट लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, लॉग ऑफ b सच डेट g लाइज टू z ऑफ n असाइन कॉन्ग्रुएंसी क्लास टू g। इसका ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा कि डिस्क्रीट लॉगरिथमिक फंक्शन एक ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है जो ग्रुप स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। तो पब्लिक की क्रिप्टो एड्रेसेस सिमेट्रिक इंक्रिप्शन चैलेंजेस। जो पब्लिक की क्रिप्टो एड्रेसेस होता है वो एड्रेस करता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन चैलेंजेस को। असिमेट्रिक इशू कौन कौन से होते हैं, पहला है कि इसको रिक्वायर शेयर्ड प्री डिस्ट्रीब्यूटेड की चाहिए, दूसरा डिपेंडेंसी ऑन की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। पब्लिक की सॉल्यूशन एलिमिनेट्स दिस चैलेंजेस, पब्लिक की एक सॉल्यूशन है जो इन चैलेंजेस को एलिमिनेट करता है। उसमें यूज करते हैं एसिमेट्रिक की पेयर्स, पब्लिक की शेयर की जाती है, प्राइवेट की सीक्रेट होती है। कोर प्रिंसिपल क्या होता है कि हमें जो पूरा कम्युनिकेशन है उसको सीक्रेट रखना है। एप्लीकेशन क्या है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर की एक्सचेंज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे RSA एल्गोरिथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो AKTU में बार बार पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो RSA क्या है, हमारा एक पब्लिक की इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो अपने इन्वेंटर्स के नाम की वजह से फेमस है। RSA, R है रावस्ट, S है शामिर, A से एलेमन। RSA एल्गोरिथम हमारा मैथमेटिकल पार्ट पे बेस्ड है जो प्राइम नंबर्स को फाइंड करने में और मल्टीप्लाई करने में बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हमें उनके प्रोडक्ट का फैक्टर निकालना है तो बहुत ही डिफिकल्टी आती है। की जनरेशन क्या है, तो स्टेप्स हैं इसके कुछ। तो पहला स्टेप है कि हमें दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं पी या क्यू, और पी या क्यू आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। दूसरा है हमें एन निकालना है, एन कैसे निकलेगा पी इंटू क्यू कर देंगे। तीसरा हमें फाई ऑफ एन निकालना है, वो कैसे होगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन हो जाएगा। चौथा स्टेप कहता है कि हमें एक इंटीजर ई सेलेक्ट करना है सच डेट उसका जी सी डी फाई ऑफ एन कोमा ई का वन आना चाहिए, और ई की वैल्यू वन और फाई ऑफ एन के बीच में लाई करनी चाहिए। फिर हमें डी कैलकुलेट करना है, डी क्या होगा ई इनवर्स मॉडुलो फाई ऑफ एन होगा। फिर हमें पब्लिक की निकालनी है पी यू जो ई कोमा एन के इक्वल होगी। फिर हमें प्राइवेट की निकालनी है पी आर
जो डी को में एन के इक्वल होगी। फिर हमें आगे इनक्रिप्शन निकालना है, डिक्रिप्शन निकालना है। इनक्रिप्शन के लिए हम साइफर टेक्स्ट निकालेंगे जो सी से डिनोट करा है हमने, जो ये निकलेगा सी इक्वल्स टू एम की पावर ई मोड एन। फिर हम निकालेंगे डिक्रिप्शन, तो इसमें हम प्लेन टेक्स्ट निकालते हैं एम, जो इक्वल होता है सी की पावर डी मोड एन के। चलिए आगे पढ़ते हैं हम आर एस ए एल्गोरिथम। तो आर एस ए एल्गोरिथम हमारी एक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, दूसरा है कि मैथमेटिकल बेसिस है। इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज प्राइम नंबर्स होते हैं उनको पहले फाइंड करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें उनके प्रोडक्ट का फैक्टर निकालना पड़ जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। की साइज क्या है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक की होती है, जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स की डिजिट्स होती हैं। की जनरेशन के चैलेंजेस क्या हैं, तो जो प्राइमरी चैलेंज आता है सेलेक्ट करना और जनरेट करना पब्लिक और प्राइवेट की। अब इसके हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं। पहला है कि हमें लार्ज प्राइम नंबर चूज करने हैं पी और क्यू। फिर हमें एन निकालना है, एन कैसे निकलेगा, पी इंटू क्यू। फिर हमें पब्लिक की चूज करनी है ई, ई को हमने नाम दे रखा है इनक्रिप्शन की। उसको ऐसे सेलेक्ट करना है कि वो इसका फैक्टर नहीं होनी चाहिए, पी माइनस वन और क्यू माइनस वन का फैक्टर के इक्वल नहीं आनी चाहिए। फिर हमें प्राइवेट की डी निकालनी है, जो कि हमारी डिक्रिप्शन की है, जो सेटिस्फाई करेगी डी इंटू ई मोड पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इक्वल्स टू वन। फिर हम इनक्रिप्शन निकालेंगे। इनक्रिप्शन में हम साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे निकलेगा, सी इक्वल टू एम की पावर ई मोड एन। यहाँ पे सी हमारा साइफर टेक्स्ट है जो रिसीवर्स के पास होता है, जो रिसीवर्स को भेजना है। डिक्रिप्शन में हम प्लेन टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एम से, एम इक्वल्स टू सी की पावर डी मोड एन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे आर एस ए के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, इन आर एस ए गिवन ई इक्वल टू 7 एन इक्वल टू 3 इनक्रिप्ट द मैसेज एम ई यूजिंग 0 to 25 फॉर लेटर ए टू जेड। तो इसमें हमें गिवन क्या है, ई की वैल्यू 7 दे रखा है, एन 3 दे रखा है। हमें इनक्रिप्ट करना है मैसेज एम ई को, 0 से लेकर 25 तक हमें नंबर्स दे रखे हैं लेटर ए टू जेड के लिए। तो पहले क्या करेंगे हम, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उनको लेटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एम को हमें नंबर्स में करना है तो क्या आएगा, 12 आएगा। एम का अल्फाबेटिक ऑर्डर 13 होता है, लेकिन हमें 0 से 25 के बीच में लेना है, तो एक कम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ऐसे ई की वैल्यू 5 होती है, लेकिन हम उसको 4 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है हर ब्लॉक को, तो हम साइफर टेक्स्ट निकालेंगे इसका। तो सी क्या होता है, एम की पावर ई मोड एन, ई है हमारा 7, तो 7 रख दिया हमने, मोड एन, एन की वैल्यू है 3, 3 रख दी। अब एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12, तो 12 के लिए हम निकालेंगे पहले। तो सी इक्वल्स टू 12 की पावर 7 मोड 3, 12 की पावर 7 को हम ब्रेक कर लेंगे, 12 की पावर 4 इंटू 12 की पावर 3 मोड 3। 12 की पावर 4 को ब्रेक कर लेंगे, 12 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 12 मोड 3। अब हम अगर यहाँ पे 12 का मोड निकालें 3 से तो 0 आएगा, तो अगर हम 12 का स्क्वायर भी कर दें तो भी उसका मोड 0 ही आएगा। तो अगर हम पूरे का मोड निकालेंगे तो 0 आएगा। अब हमने m को इनक्रिप्ट कर दिया, उसका वैल्यू आई है 0। अब e को करते हैं, e की वैल्यू है 4, तो c निकाला हमने, e की पावर 7 मोड 3, तो 4 की पावर 7 मोड 3। इसको भी हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 3 मोड 3। फिर उसको आगे ब्रेक करेंगे, 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 मोड 3। यहाँ पे भी देखने वाली बात यह है कि अगर हम 4 का मोड निकालते हैं 3 के साथ तो 1 आएगा, तो 4 के स्क्वायर का जितने का मोड हम निकालेंगे तो 1 ही आना चाहिए। तो इसका जो साइफर टेक्स्ट आ गया 1 आ गया। तो अब हम इसको लिख देंगे कि जो इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट आया है हमारा 0 और 1 आया है। आगे देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, परफॉर्म इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग आर एस ए एल्गोरिथम फॉर पी इक्वल टू 11 क्यू इक्वल टू 13 इक्वल टू 7 एम इक्वल टू 9। तो स्टेप वन क्या कहता है,
पहले जो जो गिवन है वो लिख लो, पी की वैल्यू 11 है, क्यू की वैल्यू 13 है। स्टेप टू में हम एन निकाल लेंगे, एन कैसे निकलेगा, पी इंटू क्यू, तो ये 11 है इंटू 13 हो जाएगा, 143 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हम फाई ऑफ एन निकालेंगे, फाई ऑफ एन कैसे निकलता है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। पी की वैल्यू 11 है, 11 माइनस वन इंटू 13 माइनस वन, 10 इंटू 12 120 के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में हमें डी निकालना होता है, तो हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे, डी इक्वल टू 1 मोड एन, एन की वैल्यू क्या, फाई ऑफ एन की वैल्यू क्या आई है, 120 आई है। तो ई को आप उधर भेज देंगे तो ई इनवर्स हो जाएगा, ई इनवर्स मोड 120। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहती है कि हमें क्यू लेना होता है क्वोशेंट, आर वन लेना होता है डिविडेंट, आर टू डिवीजर, आर है हमारा रिमाइंडर, और टी वन टी टू और टी हम तीन वेरिएबल रोल लेते हैं इसमें। टी वन को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, टी टू को करते हैं 1 से। तो अब हम पहली बार में जब डिवाइड करेंगे 120/7, तो 71 बार में जाएगा और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जो आर टू की वैल्यू है उसको आर वन में शिफ्ट कर देंगे, और आर जो आया है इसको आर टू में शिफ्ट कर देंगे। फिर हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो 7 बार में डिवाइड होके रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर हम दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट में करेंगे, 1 को आर टू की जो वैल्यू आई है 1, उसको आर वन में शिफ्ट कर देंगे, आर की वैल्यू को आर टू में शिफ्ट कर देंगे। फिर हम आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर टू की वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, अब हमने टी वन टी टू और टी की वैल्यू निकाल ली है, तो टी वन हमने इनिशियलाइज किया था 0, टी टू हमने किया था 1, तो इसमें क्या करेंगे हम, टी की वैल्यू निकालेंगे। पहले टी की वैल्यू कैसे निकलती है, टी वन माइनस क्यू ऑफ टी टू, तो टी वन में से हमें माइनस करना है क्यू ऑफ टी टू, क्यू क्या है हमारा 17 है, तो 17 इंटू 1 17 हो गया, 0 माइनस 17 माइनस 17 हो गया। यहाँ पे भी हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 1 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस 17 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर दोबारा से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू वही निकलेगी टी वन माइनस क्यू ऑफ टी टू, तो 120 आ जाएगी। फिर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 17 टी वन में आ जाएगा और 120 टी टू में आ जाएगा। अब हम इसको आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर टू हमारा 0 हो चुका है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो जो आगे जो वैल्यू आएगी हमारी वो हम यहाँ पे रख देंगे, टी वन मोड टी टू, टी वन की वैल्यू माइनस 17 आई थी, मोड टी टू की वैल्यू 120 आई थी, तो यहाँ से हमारा डी निकल के आएगा 103। अब पब्लिक की में हम कैसे लिखते हैं, ई कोमा एन लिखते हैं, ई की वैल्यू 7 थी और एन क्या था हमारा 143 था। ठीक है, प्राइवेट की में हम क्या लिखते हैं, प्राइवेट की में हम लिखते हैं भाई एन माइनस वन कोमा एन, 103 कोमा 143 आ जाएगा, डी कोमा एन जो लिखते हैं हम यहाँ पे। इनक्रिप्शन निकालेंगे अब, तो एम की पावर ई मोड एन होता है, एम हमें पता है 9 है, ठीक है, ई हमें पता है 7 है, तो 9 की पावर 7 मोड 143। फिर वही ब्रेक करेंगे, 9 की पावर 4 मोड 143, 9 की पावर 2 मोड 143, 9 की पावर 1 मोड 143, और इसका होल मोड कर देंगे 143। ठीक है, अब 9 की पावर 4 का हमने निकाला, 126 आया, 81 आया, 9 आया, मोड 143 लगाया, इतनी मल्टीप्लाई करके आई मोड 143 आया, और जब इसका हमने मोड निकाला तो 48 आया, तो साइफर टेक्स्ट कितना आया हमारा 48। इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे तो 13 की पावर 103 मोड 143 आ जाएगा, आप निकाल के देख लेना एक बार। तीसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, परफॉर्म इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग आरसी एल्गोरिथम फॉर पी इक्वल टू 17, क्यू इक्वल टू 11, ई इक्वल टू 7, एम इक्वल टू 88। तो स्टेप वन में वही हमें पी की वैल्यू 17 है, क्यू की वैल्यू 11 गिवन है, स्टेप टू में एन निकाल लेंगे, पी इंटू क्यू, तो 17 इंटू 11 187 आ गया। थर्ड स्टेप में फाइव ऑफ एन निकालना है, तो पी माइनस वन क्यू माइनस वन, पी की वैल्यू 17 है, 17 माइनस वन, क्यू की वैल्यू 11 है, 11 माइनस वन, तो 17 माइनस वन 16, 11 माइनस वन 10, 16 इंटू 10 160 आ गया।
अब हमें फोर्थ स्टेप में डी निकालना होता है, तो डी की इक्वेशन क्या है, डी इक्वल्स टू वन मोड एन, एन की वैल्यू आई फाई ऑफ एन की वैल्यू है 160, तो ई को उधर ले जाएंगे, ई इन्वर्स हो जाएगा तो मोड 160, ई की वैल्यू हमारे पास पता है 7 है। अब हमें क्या करना है, डी निकालना है, डी हमारा कैसे निकलेगा, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वही स्टेप्स लगाएंगे। आर वन में हम रखेंगे फाई ऑफ एन को जो 160 आया था, आर टू में रखेंगे ई की वैल्यू को जो 7 आई थी, टी वन में हम 0, टी टू में 1 इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 7 को 160 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 22, रिमाइंडर 6, ठीक है। फिर लेफ्ट शिफ्ट, 7 को R1 में ले गए और जो 6 को R2 में ले गए, फिर डिवीजन परफॉर्म किया हमने, क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 1, फिर लेफ्ट शिफ्ट, R2 में R2 वाली वैल्यू हमने R1 में शिफ्ट कर दी 6, R वाली वैल्यू R1 में शिफ्ट हो गई 1, फिर डिवीजन परफॉर्म करेंगे 6 बार में पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0, फिर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे, जैसे ही 0 आएगा वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अब हमें T1, T2 और T की वैल्यू निकालनी है, तो T1 में हमने इनिशियलाइज किया था 0, T2 में किया था 1, और T हम निकालेंगे, फॉर्मूला होता है T1 माइनस Q ऑफ T2, तो 0 माइनस 1 इंटू 22, तो माइनस का 22, ठीक है। फिर लेफ्ट शिफ्ट होगा, 1 हमारा T1 में आ जाएगा, माइनस 22 T2 में आ जाएगा, फिर हम परफॉर्म करेंगे T की वैल्यू में, T1 माइनस Q ऑफ T2, तो 23 आ जाएगा। फिर इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस 22 T1 में आ जाएगा, 23 T2 में आ जाएगा, फिर हम दोबारा T की वैल्यू निकालेंगे, T1 माइनस Q ऑफ T2, तो माइनस का 160 आएगा, फिर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 23 T1 में आ जाएगा और माइनस का 160 T2 में आ जाएगा, यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारा 0 हो गया R2, आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब D की वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, D की वैल्यू निकालेंगे आगे, D हमारा आ जाएगा T1 मोड T2 होता है, तो D हमारा 23 आ जाएगा। पब्लिक की क्या होती है, E कोमा N होती है, E की वैल्यू 7 है, N क्या हमारा 187 है। प्राइवेट की क्या होती है, डी कोमा एन होती है, डी की वैल्यू 23 है, कोमा एन, एन क्या है 187 है। आगे हम निकालते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन निकालने के लिए हमें पता है एम की पावर ई मोड एन होता है, एम हमारा 88 है, ई की वैल्यू 7 है, तो 88 की पावर 7 मोड एन क्या है 187 है, तो हमने 88 की पावर 7 को हम ब्रेक कर लेंगे, 88 की पावर 4, 88 की पावर 2, 88 की पावर 1, ठीक है। तो हम यहाँ से अब इसका मोड निकालेंगे, इसको हमने शॉर्ट करके कर दिया 132, 77 इसका मोड निकाला और इसका मोड निकला 88। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 187 से मोड निकालेंगे तो 11 मोड आएगा। डिक्रिप्शन करेंगे तो 11 की पावर 23 मोड 187, ठीक है। 11 को फिर ब्रेक करेंगे, 11 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2, 11 की पावर 4, 11 की पावर 8, 11 की पावर फिर दोबारा से 8, इनका अलग अलग सेपरेट मोड निकाल लेंगे तो 11 आएगा इसका, 121 आएगा इसका, 55 आएगा इसका, 33 इसका, 33, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करके 187 से मोड निकाल लेंगे जो कि 88 आएगा। तो इनक्रिप्शन भी आ गया हमारा, डिक्रिप्शन भी आ गया। आगे वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लेट पी इक्वल टू 17, क्यू इक्वल टू 11, ई इक्वल टू 7 एंड डी इक्वल टू 23, ये हमें गिवन है। हमें पब्लिक की निकालना है, प्राइवेट की निकालना है और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन निकालना है प्लेन टेक्स्ट एम के लिए, जिसकी वैल्यू है 188 RSA एल्गोरिथम का यूज करके। स्टेप वन हमें पता है पी की वैल्यू 17, क्यू की वैल्यू 11 है, तो एन निकाल लेंगे हम, पी इंटू क्यू 17 इंटू 11 187 आ गया। फाई ऑफ एन निकाल लेंगे, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, तो 16 इंटू 10 160 आ गया। अब डी हमें पता है 23 है तो डी निकालना नहीं है, ई हमें पता है 7 है, तो पब्लिक की हम बता सकते हैं ई कोमा एन, ई है 7, एन है 187। अब प्राइवेट की क्या है, डी कोमा एन है, डी की वैल्यू 23 है, एन की वैल्यू 187 है। आगे हमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और निकालना है, तो इनक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट निकालना होता है, तो सी साइफर टेक्स्ट क्या होता है, एम की पावर ई मोड एन होता है, तो एम हमें पता है 88 है, ई की वैल्यू हमें पता है 7 है, मोड
एन की वैल्यू हमें पता है 187 है। 88 की पावर 7 को हमें ब्रेक करना 88 की पावर 2 और 88 की पावर 5। अब 88 की पावर 2 का हमने निकाला है 77 आया मोड, 88 की पावर 5 को हमने फिर ब्रेक कर लिया तो 77 इंटू 77 इंटू 88 आएगा, और इसका मोड कर दिया 187 के साथ तो 11 आ गया साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन करेंगे तो हम उसमें प्लेन टेक्स्ट निकालते हैं। प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है, सी की पावर डी मोड एन होता है। सी हमें पता है 11 है, डी हमें पता है 23 है, मोड एन हमें पता है 187 है, तो 11 को ब्रेक कर लेंगे 11 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 18 मोड 187। 11 की पावर 5 का जब मोड निकालेंगे तो 44 इंटू 44 44 44 क्यों, 11 की पावर 5 का 44 आया है, तो 11 की पावर 18 को हम तीन बार ब्रेक करेंगे तो उसका 44 44 44 आएगा, जो तीन बचा 11 की पावर 3 हो गया। फिर जब इन सब का निकालेंगे तो 11 44 की पावर 4 हो गया इंटू 22 हो गया, मोड 187 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88। तो यहाँ पे हमारा साइफर टेक्स्ट आ गया 11 और प्लेन टेक्स्ट आ गया 88, ये हमें निकालना था। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं आरएसए एल्गोरिथम की। पहली एडवांटेज है कि कन्वीनियंस है के डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसमें पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होती हैं। ये मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, डिटेक्शन ऑफ टैम्परिंग डिटेक्ट कर लेता है, ऑफर करता है नोन रेपुटेशन। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, दूसरा है स्लो कंपेयर टू सिमेट्रिक, थर्ड इज हायर रिसोर्स यूसेज, फोर्थ इज सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज रिस्क, फिफ्थ है इरिपेरेबल लॉस ऑफ प्राइवेट की। आगे देख लेते हैं हम सिक्योरिटीज ऑफ आरएसए। तो पहला है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स की अप्रोच क्या है कि जितने भी प्राइवेट की हैं हम उन सबको ट्राई करते हैं। सिक्योरिटी मेजर क्या है कि लार्ज की स्पेस को यूज करता है। दूसरा है मैथमेटिकल अटैक, इसमें हम फैक्टरिंग करते हैं कि जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आया उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है इसका कि आरएसए सिक्योरिटी का इवेल्युएट करता है फैक्टरिंग के परफॉर्मेंस के बेस पे। थर्ड इज टाइमिंग अटैक। टाइमिंग अटैक की अप्रोच क्या है कि जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम रनिंग टाइम में है चल रही है उसको एक्सप्लोइट करता है। काउंटर मेजर्स में क्या है कि कॉन्स्टेंट एक्सपोनेशन टाइम होता है कि जितने भी एक्सपोनेशन हमने निकाला है वो सेम टाइम पे होगा, जिससे कि परफॉर्मेंस घट जाती है। दूसरा है रैंडम डिले, तो रैंडम डिले ऐड कर देते हैं जिससे कि टाइमिंग अटैक्स को कन्फ्यूज किया जा सके। थर्ड इज ब्लाइंडिंग, तो इसमें हम साइफर टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रैंडम नंबर से एक्सपोनेंशन करने से पहले, जिससे कि हम बिट बाय बिट एनालाइज कर पाएं टाइमिंग अटैक्स में। अब हम देख लेते हैं डीईएस और एईएस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इनके कंपैरिजन के बेसिस क्या क्या हैं। तो पहला है बेसिक। बेसिक में क्या कहता है कि डेटा ब्लॉक्स को हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं डीईएस में। एईएस में क्या करते हैं, डेटा ब्लॉक जो है हमारा सिंगल मैट्रिक्स में प्रोसेस होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि डीईएस हमारा फिस्टल सिफर स्ट्रक्चर पे वर्क करता है और एईएस हमारा सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्लेन टेक्स्ट क्या है, इसका 64 बिट का होता है। प्लेन टेक्स्ट इसका किसी भी बिट का हो सकता है, 128 का भी, 192 का भी, 256 बिट्स का भी हो सकता है। की साइज क्या है कि डीईएस का अगर हम एईएस से कंपेरिजन करें तो इसकी की साइज छोटी होती है, एईएस की बड़ी की साइज होती है। राउंड्स कितने होते हैं इसमें, 16 राउंड होते हैं। इसमें 10 राउंड होते हैं 128 बिट एल्गोरिथम के लिए, 12 राउंड होते हैं 192 बिट एल्गोरिथम के लिए, एंड 14 राउंड्स होते हैं 256 बिट एल्गोरिथम के लिए। राउंड्स के इसके नाम क्या क्या होते हैं, तो डीईएस में एक्सपेंशन, परमुटेशन, एक्सोर, एस बॉक्स, पी बॉक्स, एक्सोर एंड स्वैप। इसमें क्या होता है, सब बाइट्स, शिफ्ट रोस, मिक्स कॉलम, एड राउंड की। सिक्योरिटी क्या होती है इसमें, डीईएस की स्मॉलर की होती है जो कि बहुत लेस सिक्योर होती है, एईएस की सीक्रेट्स की बड़ी होती है जो कि ज़्यादा सिक्योर होती है। अब स्पीड की बात करें तो डीईएस की स्पीड स्लो होती है और एईएस की स्पीड फास्ट होती है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के एंड 10 मार्क्स के, जो आप देख सकते हैं।
एंड यहीं पे ये यूनिट हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।